आज आज की जो देश है, आज का जो आज का ये पूरा कार्यक्रम है ताल ठोके, ये भारत के उन वैज्ञानिकों के नाम कर दे, उन लोगों के नाम कर दे, विक्रम साराभाई जिनके नाम पर विक्रम लैंडर का नाम रखा गया है, विक्रम यानी शौर्य और बुद्ध दोनों एक साथ, इसीलिए विक्रम। हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट होते थे, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, और वहां पर कहा जाता है ऐसा है कि विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर शुरू हुआ, अभी 2080 चल रही है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर से भी पुराना है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी जो भारतीय है, हर कोई चांद और सूरज पर नहीं पहुंच पाता अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता, ये बात भी आपको समझनी होगी। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय, इसरो बेंगलुरु के हेडक्वार्टर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, वीरेंद्र यादव हैं सीनियर साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के, मेरे साथ प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हैं साइंटिस्ट हैं, ये भी इसरो से जुड़े रहे हैं। थोड़ी देर में तीन और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलता हूं प्रणय के पास। प्रणय, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या खुशखबरी शेयर करेंगे आप ठीक 25 घंटे पहले। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा दीपक जी, आपसे बात करने से पहले मैं ठीक पीछे ये जो इमारत है जो कि इसरो का हेडक्वार्टर है, यहां गया था और यहां मेरी मुलाकात डॉक्टर के सिवन से हुई, जो कि 2019 में चंद्रयान 2 के समय में इसरो के चेयरमैन थे। और आज जब उनसे बात की तो कहीं ना कहीं उनके जो उस 2019 के लैंडिंग फेल होने के जो आंसू थे, उसी से उन संकल्पों का जन्म हुआ था कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी उसी समय से शुरू करती थी। और आज न केवल देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं चंद्रयान के लैंडर विक्रम लैंडर के साथ में है, बल्कि इसरो की तैयारियां पूरी हैं, हर तमाम चेक किए जा चुके हैं, और कहा जा सकता है कि देश का जोश इस समय बेहद हाई कहा जा सकता है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा है क्योंकि तमाम पैरामीटर्स इस समय भी जो अभी हम बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है चंद्रयान 3 के साथ। और 25 घंटे बाद 6:04 का वक्त होगा जब लैंडिंग की जाएगी, 5:45 पे कल शाम को इसी समय जब हम बात कर रहे होंगे तो लगभग इसी समय पे वो जो लैंडिंग की प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। हालांकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मॉनिटरिंग होगी, और केवल इसरो के बेंगलुरु के इस्ट्रैक के सेंटर से ही नहीं बल्कि इंडिया का जो डीप स्पेस नेटवर्क है उससे भी ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अलावा मॉरिशस, ब्रुनोई, थाईलैंड, उन तमाम देशों के अंदर भी जो इसरो के नोड्स हैं, ट्रैकिंग नोड्स, वहां से मॉनिटरिंग की जाएगी। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया था दीपक जी कि ये बेहद किफायती है, देर आए दुरुस्त आए के मॉडल पर इसरो ने जिस तरीके की कामयाबी हासिल की है, ये विषय आपके भी दिल के बहुत करीब रहा है। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के समय भी आपने कवर किया था, चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग ने चांद पर पानी खोजा था, चंद्रयान 2 भी पूरी तरह से नाकामयाब नहीं हुआ, उसने भी कई महत्वपूर्ण चीजें खोज के बताई हैं, और चंद्रयान 3 के बाद कहा जा सकता है चलो दिलदारों चलो चांद के पार चलो, तो चांद के पार भी क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह न केवल एक किफायती मॉडल होगा बल्कि एक कमाऊ मॉडल भी साबित होने वाला है, क्योंकि $1 trillion की इकोनॉमी एक्सपेक्ट की जा रही है जब मून के ऊपर बहुत सारे जो स्पेस मिशन है वो लॉन्च होंगे, मून का कॉलोनाइजेशन यानी वहां पर मानवीय बस्तियां बसाने की जो योजना है, यानी भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से इसरो का ये जो पहल है, ये जो चंद्रयान है, ये भविष्य की बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। जी, आपने कहा चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, और मैं आपको कह रहा हूं हमें तैयार चलो, और मौका भी कुछ ऐसा ही है प्रणय। जी बिल्कुल, मौका निश्चित रूप से इसी तरीके का है, और इसीलिए तमाम जो तैयारियां की गई, जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यहां से कुछ ही दूरी पर इस्ट्रैक का है दीपक जी, वहां पर जो तमाम साइंटिस्ट हैं जिनको कि इस लैंडिंग को कामयाब करना है, उन लोगों को वहां स्टेशन कर दिया गया है, किसी को अब बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लैंडिंग का मिशन पूरा होने तक हर कोई वहीं रहेगा, और तमाम वो जो पैनल्स हैं, तमाम वो जो सीट्स हैं उनके ऊपर लोग जम चुके हैं, 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है हर एक पहलू, चाहे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो चाहे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, और इसके अलावा जो दूसरे मीटर्स हैं वो भी लगातार चेक किए जा रहे हैं। 7 सेकंड का इसके अंदर एक समय रखा गया है, अगर किसी तरीके से डिले होता है या अगर किसी तरीके से पोजीशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर अल्टरनेटिव जो लोकेशन साइट है वो भी फीड कर रखी गई है। और साथ ही जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तस्वीरें बताती हैं कि इसके ऊपर चाहे लैंडर पोजीशन कैमरा हो वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, चाहे जो लैंडर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा हो वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और इसके जो तमाम प्रोब्स और सेंसर हैं वो काम कर रहे हैं, ये तस्वीरें भेज पा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि चंद्रयान में अभी तक सब कुछ ठीक है, और इसीलिए आज जब हमने ये सवाल किया यहां के वैज्ञानिकों से कि क्या इसके समय में बदलाव हो सकता है, तो उनका कहना था कि अभी तक ऐसा नहीं लगता और जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है 23 अगस्त की शाम का,
जब 6:04 पर वो खुशखबरी आएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार जरूर आए थे, लेकिन इस बार वो नहीं है, लेकिन उनका जो समय है वो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में होंगे, लेकिन वो जो लैंडिंग का समय है वो वर्चुअल कनेक्टिविटी के जरिए वो इस मिशन के साथ जुड़ेंगे और वो भी इस मिशन के अंदर भागीदार होंगे जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम लैंडर की लैंडिंग को अंजाम दे रहे होंगे। मुझे वो तस्वीरें याद है, K-7 जो है जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और उन्होंने गले लग के उनको ढांढस बनाया था। और मुझे वो तस्वीरें याद है जब K-7 की आंखों से भावनात्मक आंसू टपक रहे थे। इसलिए नहीं, हमने चंद्रयान 2 में भी काफी सफलता पाई है, जो उसका लैंडर उतरा है मेरे ख्याल से हेलो बडी ऐसा कोई मैसेज भी भेजा है। इसरो ने ट्वीट किया था कि एक मैसेज भेजा है जो चंद्रयान 2 गया था उसने चंद्रयान 3 को। जी दीपक जी, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और इसरो की एक बहुत बड़ी कामयाबी के मैं में जिक्र करना चाहूंगा कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर जिसकी मिशन लाइफ मानी गई थी महज एक साल की, यानी 2019 में जब उसे वहां पर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था तो उसको 2020 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी न केवल काम कर रहा है बल्कि चंद्रयान 3 के साथ संवाद और संपर्क के अंदर भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि विक्रम लैंडर जब लैंड कर जाएगा तो वो जब कम्युनिकेट कर रहा होगा इसरो से तो वो वाया चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है के माध्यम से रिले होगा। और इसके अलावा जो डीप स्पेस नेटवर्क है ISDN उसके थ्रू कांटेक्ट और कम्युनिकेशन होगा, तो एक लेयर ऑफ कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के थ्रू होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण खोज जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पे लगे हुए कैमरास ने की है वो ये है कि चंद्रमा की सतह के ऊपर कुछ वॉल्केनिक कैनाल्स हैं, ये वो ऐसे गलियारे हैं, कहा जा सकता है वो चंद्रमा की सतह की वो सुरंगें हैं जिनके अंदर कभी लावा बहा करता था लेकिन अब वो खोखली है, यानी मनुष्य को कभी अगर वहां बसना होगा या वहां अगर हैबिटेबल कॉलोनीज बनाई जा सकेंगी तो ये वो जगह होगी। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर उतरकर भारत न केवल इतिहास रचेगा बल्कि सही मायनों के अंदर भारत की छाप इसलिए भी छोड़ेगा क्योंकि वो जो प्रज्ञान रोवर निकलना है दीपक जी उसके 6 पहिए हैं और उन 6 पहियों में एक तरफ भारत का राजचिन्ह यानी वो जो अशोक स्तंभ का सिंह है वो अंकित है तो दूसरी तरफ इसरो के का जो निशान है वो अंकित है, यानी जब वो आगे चलेगा तो वो चंद्रमा की सतह के ऊपर इसरो के निशान भी छोड़ेगा और भारत के राजचिन्ह को भी अंकित करेगा। जी ठीक है।